हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ के साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 6, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमसे पूछा गया है वो है व्हाइल टीचिंग क्लास सेवेंथ। तो जब क्लास सेवेंथ को पढ़ा रहे हो अब, ठीक है, तो टीचर जब क्लास सेवेंथ को पढ़ा रही है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, तो टीचर ने एक्सप्लेन किया कि ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट एंड देन आस्क हिज स्टूडेंट। तो टीचर ने सभी जो सर्किट के सभी कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया क्लास में, और उनसे कहा कि इसमें से जो है वो आइडेंटिफाई करो कि कौन सा जो है वो कॉम्पोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वायर भी होता है, इलेक्ट्रिक सेल भी होता है और इलेक्ट्रिक बल्ब भी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन साइंस लैब साइंस टीचर गेव डेमोंस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। तो साइंस टीचर ने इलेक्ट्रिक बेल का जो है डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डेमोंस्ट्रेशन दिया, ठीक है, एंड आस्क्ड हर स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द मेन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल के मेन पार्ट्स के बारे में जो है स्टूडेंट को पहचानने को कहा गया, ठीक है। तो गोंग, हैमर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये सारे ही होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू डेवलप अ बैटरी फ्रॉम टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल, अगर हम दो या दो से ज्यादा सेल को यूज करते हुए एक बैटरी जो है वो बनाना चाहते हैं, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ज्वाइनिंग द सेल। तो इसमें से हम सेल को किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा वो बताना है। तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जब नेगेटिव टर्मिनल को अटैच किया जाएगा, है ना, तब होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल कॉल्ड बैटरी। तो सेल का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे बैटरी कहा जाता है। इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, तो इस ये जो है मतलब कि जो बैटरी है वो किस में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, टॉर्च में भी, ट्रांजिस्टर में भी और टीवी रिमोट कंट्रोल में भी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ द बल्ब ग्लोज, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर बल्ब जो है वो चल रहा है, देन द स्विच इज इन डैश पोजिशन। अगर बल्ब जो है वो मतलब कि चमक रहा है ना, तो जो स्विच होगा वो कैसे पोजिशन में होगा, ऑन पोजिशन में, ठीक है, यानी कि ऑन स्थिति में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गगन वॉज आस्क्ड बाय द टीचर टू स्विच ऑन द फैन। टीचर ने बोला कि फैन को ऑन कर दो, है ना, एंड कन्फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का कंडीशन जो है वो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो क्लोज होगा तभी चल रहा है फैन, ठीक है, या कह सकते हो कंप्लीट होगा तो भी चलेगा, है ना। तो बोथ ए एंड सी। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं पहले, दो में एक अते तीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवेंथ जो है वो पूछा गया है, दीपक फाउंड अ ब्रोकन बल्ब, तो उसे एक टूटा हुआ बल्ब मिला और उसने ऑब्जर्व किया इसमें जो है एक पतली सी तार है। अगले दिन वो इसे अपने साथ ले गया स्कूल में, टीचर से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ थिन वायर, तो ये कौन सी जो है ये पतली सी वायर जो है वो क्या है, इसका नाम क्या है। तो टीचर ने बताया कि वो क्या है, फिलामेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ ग्लोइंग बल्ब बिकम्स वार्म, तो एक जो बल्ब जो है चमक रहा है, ठीक है, तो या कह सकते हो चल रहा है, तो वो जो है वो गर्म हो जाता है। तो ये इफेक्ट ऑफ करंट का क्या मतलब कि बेसिकली इसमें क्या चीज जो है वो शो हो रही है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को शो करता है, यानी कि बिजली तापन प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, प्रियंका के हाउस में उनकी मदर जो है उसकी मदर जो है वो कपड़ों पे प्रेस कर रही थी, अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पावर फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो आज के टाइम में इन चीजों से डील करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर है MCB, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, तो आंसर है MCB। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स एज, तो जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक तार से जो है वो पास आउट होता है, तो ये किस तरीके से बिहेव करता है, ये एक मैग्नेट यानी कि चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज वायर इज जनरली मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फ्यूज वायर जो है वो किससे बनता है, वो बनता है लीड से, ठीक है, लेड से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो हंस क्रिश्चियन और स्टिड ने फाइंड आउट किया था, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर बनाने के लिए सबसे सुटेबल मटेरियल जो है वो कौन सा होगा, आयरन यानी कि लोहा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट वन. तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल सही. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करता है, ठीक है, तो किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है, तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, बिल्कुल सही है. इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल बिकॉज इट कैन रन मेनी अप्लायंसेस. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उपयोगी है हमारे लिए क्योंकि बहुत सारे अप्लायंसेस को चला सकता है जो कि हमारे लाइफ को दिन प्रतिदिन आसान करते हैं, है ना. तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे. है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉपर वायर ए बी. ए बी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्टेड. तो कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही है? तो अगर यहाँ से पास हो रहा है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने आसपास क्रिएट कर देगा, ठीक है, जिससे कि इसके पास जो रखा हुआ जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट है, ठीक है. तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म. इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. बाय बाय.